व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए कितनी शानदार बात बोली गई यहाँ पर। मेहनत करने वाले कभी भूखे नहीं मरते और बुरी नीयत वालों के कभी पेट नहीं भरते। अगर आप लोगों को एक बार मेहनत करने की आदत पड़ गई तो देखिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा स्टार्टिंग में, पर लेकिन एक बार ये आदत डाल ली ना तो लाइफ भर आप लोगों को मेहनत की जो रोटी होती है वो इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि जिंदगी भर आप लोग शांति की नींद भी जी पाएंगे। पर लेकिन इसका अपोजिट भी उतना ही कड़वा है। अगर एक बार लालच की रोटी की आप लोगों ने आदत डाल ली, लालच की कमाई की एक बार लाइफ में आदत डाल ली, बिना कुछ करे कमाने की आदत डाल ली, तो वह आप लोगों को इतना ज्यादा पे करने वाली है अपोजिट डायरेक्शन में, इतना ज्यादा आप लोगों को वो परेशान करने वाली है लाइफ में, आप लोगों को चैन की नींद भी नहीं ले पाएंगे कभी। अगर जिंदगी में चैन की नींद सोना है, पूरे दिन अपना कहीं भी जाए पर रात को जब एक अपनी चारपाई पर लेटे वो शांति की और एक सुकून की नींद लेनी है, तो हमेशा अपनी मेहनत करके खाना सीखिए। अगर मेहनत करके एक बार खाना स्टार्ट कर देंगे तो जिंदगी बड़े सुकून से गुजरने वाली है। ओके, आज 27th of March है, देख लेते हैं क्या क्या नैनो मैगजीन के तहत हम लोग को डिस्कस करना है। पीआईबी योजना एआईआर देखेंगे, यहाँ पर प्रीलिम्स के फैक्ट्स देखेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। काफी शानदार डिस्कशन रहने वाला है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं ऑल इंडिया रेडियो और पीआईबी की न्यूज, स्टार्ट करते हैं इससे। तो आइए फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये फ्लोरीमीटर से रिलेटेड, यहाँ पर आखिर क्या होता है ये इंस्ट्रूमेंट और इसका क्या यूज होता है उसके बारे में जानते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट होता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा जो वाटर होता है उसमें कई तरीके कंटेमिनेटेड जो वाटर होते हैं, कई तरीके उसमें आप लोगों को अलग अलग तरीके के मेटल्स वगैरह या फिर अलग अलग तरीके मटेरियल्स में देखने को मिलेंगे जिन एरिया में कंटेमिनेटेड वाटर पाया जाता है। तो ये फ्लोरीमीटर होता है, ये चेक करता है अगर वाटर में यूरेनियम की मात्रा पाई जाती है तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर यूरेनियम से कंटेमिनेटेड है वाटर तो उसको ये चेक करता है, और ये डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा। आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, खासकर जब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और जब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के लीडर जिम कॉन्ग उनके बारे में, तो उस टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा न्यूक्लियर की बात हो रही थी कि मेरे पास में न्यूक्लियर बम का बटन है, उधर से बोला नॉर्थ कोरिया के लीडर ने और उधर से बोला डोनाल्ड ट्रंप ने, दोनों की इस तरीके की लड़ाई चल रही थी। तो वहां से आप लोगों के समझ में इतना तो आ गया होगा कि जब भी न्यूक्लियर पावर की बात होती है तो वो कहीं ना कहीं कंट्री के लीडर के हाथ में होता है। तो यहां पर भी आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिलेगा, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसका पेरेंट ऑफिस है, मतलब जो ये डिपार्टमेंट आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसका जो गठन किया गया था डीएई के बारे में बात कर रहा हूं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बारे में, ये इसका गठन किया गया था 3 अगस्त 1954 में। ओके, और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को मुंबई में देखने को मिलेगा, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताई दिया, प्राइम मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये सारा काम होता है। ओके, तो ये कुछ बातें आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, डिवाइस के बारे में, जो डिवाइस है डेवलप की गई है ये यहाँ पर, इसका याद रख सकते हैं आप लोग RRCAT, ये क्या है यहाँ पर इसका नाम भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, क्योंकि पर्टिकुलर इसके द्वारा डेवलप की गई है पर लेकिन इसके अंदर ही आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। तो ये है क्या, ये है राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी RRCAT, इंदौर में सिचुएटेड है ये, कई बार हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछे जाते हैं तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है। डिवाइस जो है वो कॉस्ट करने वाली है यहाँ पर 1 लाख रुपीज, और यहाँ पर ये हेल्प करेगी डिटेक्ट करने में यूरेनियम इन द वाटर। देखिए क्या होता है, कई बार आप लोग इस तरह कंटेमिनेटेड अगर वाटर देखते हैं तो उनसे कई तरह की प्रॉब्लम होती है, थायराइड कैंसर देखने को मिलेगा, ब्लड कैंसर, डिप्रेशन और कई सारे आप लोगों को सीरियस बीमारी यहाँ पर देखने को मिलेगी अगर यहाँ पर चेक करके उसको हटाया जाता है। तो लार्ज जनता को पहले, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो पहले यहाँ पर जनता को बचाया जा सकता है। तो डिवाइस का नाम और दो चार ये डिपार्टमेंट जो आप लोगों को बताएं और किस लिए इसका यूज होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल यहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्ल्ड फर्स्ट ब्रास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है ब्रास, होता क्या है ब्रास, होता है पीतल। जिस तरीके से हम लोग आज की डेट में सोना और चांदी यूज करते हैं, जिस तरीके से गोल्ड आप लोग देखते हैं आप लोग यूज करते हैं, और जिस तरीके से चांदी वगैरह हम लोग जो यूज करते हैं, इसी तरीके से अब पीतल को, ब्रास को भी यूज करने की बात की जा रही है कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट के अंदर में। तो MCX जिसको बोलते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एक आप लोगों को कंपनी देखने को मिलेगी जो कि जिसका गठन किया गया था 2003 में। इसका भी हेडक्वार्टर आप लोगों को मुंबई में नजर आएगा, और जो चेयरपर्सन है इसके वो है सुभाष चंद्रा। तो इनके द्वारा इसका गठन आप लोग देख सकते हैं किया गया था। तो ये जो कंपनी है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस कंपनी में फर्स्ट टाइम बोला जा रहा है यहाँ पर कि पहले जो फर्स्ट ब्रास मतलब पीतल में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, और ये वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हुआ है, आज तक ऐसा कुछ भी वर्ल्ड में नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट बातें क्या हो जाती है, अगर इसको यहाँ पर इस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है तो ब्रास यानी कि पीतल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, बनाया किससे जाता है, कॉपर मिलाया जाता है इसमें,
कॉपर के साथ में जिंक मिलाया जाता है। ये क्वेश्चन साइंस में पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, क्योंकि पीतल की काफी इंपोर्टेंस हुआ करती थी। अगर आप लोग पास्ट में देखेंगे तो पीतल के बर्तन में बोला जाता है पानी रख के पीने से आंखें वगैरह काफी अच्छी रहती है और बॉडी को काफी फायदेमंद रहता है, अगर शाम को पीतल में पानी रखते हैं और सुबह पीते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर इसके बारे में, ब्रास के बारे में, पीतल के बारे में पता होना चाहिए। कॉपर होता है 55 से 60% और जिंक होता है यहाँ पर 40 से 45%। ये दो यहाँ पर लीडिंग कॉम्पोनेंट होते हैं और थोड़ा बहुत बहुत कम अमाउंट में यहाँ पर लेड आप लोगों को देखने को मिलेगा और आयरन देखने को मिलेगा। एक बार को ये दोनों भूल सकते हैं, पर लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कंप्लीट क्वांटिटी मैक्सिमम यहाँ इससे कंप्लीट कर दी जाती है। आगे क्या बात की जा रही है, आगे बोला जा रहा है यहाँ पर, देखिए कई तरीके आप लोगों को अप्लायंसेस देखने को मिलते हैं, गियर वगैरह कई तरीके आप लोगों को, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें या फिर डिफेंस सेक्टर में कई जगह आप लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कई तरीके यूज यहाँ पर पाए जाते हैं। और मैक्सिमम यहाँ पर हम जो खरीदते हैं ये सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये यूएसए खरीदते हैं, मिडिल ईस्ट से खरीदते हैं, अफ्रीका कंट्री जो हो गई या फिर यूरोप वगैरह एरिया से हम लोग ये खरीदते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। इसके अलावा MCX जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो बुलियन या फिर फेरस या फिर नॉन फेरस मेटल एनर्जी इन सब में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर कमोडिटी पोटैटो, यहाँ पर पाम ऑयल या फिर अदर कमोडिटी में भी ये ट्रेड करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। MCX का नंबर वन यहाँ पर सिल्वर है आप लोगों को देखने को मिलेगा, नंबर टू पर नेचुरल गैस और नंबर थ्री पर यहाँ पर क्रूड ऑयल और गोल्ड आप लोगों को नजर आएगा। तो ये कुछ बातें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है ब्रास के बारे में। अगर साइंस से क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा आप लोगों के लिए, ये तो कम से कम आप लोग याद रखिएगा। और वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम इसको यूज किया जा रहा है MCX के द्वारा, आज तक वर्ल्ड में कहीं पर भी इसको यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग्स लॉ एनफोर्समेंट। तो आप लोग देखते हैं अलग अलग तरीके की दवाइयां यूज की जाती हैं, अलग अलग तरीके के यहाँ पर पदार्थ हमारी कंट्री में यूज किए जाते हैं, तो किस तरीके से उनसे रिलेटेड जो लॉ है उसको इन्फोर्स किया जा सकता है ताकि उसका नेगेटिवली यूज न हो सके। क्योंकि कई तरीके आप लोगों को मदिरा पदार्थ ये इस तरीके होती है, कई तरीके जो ये नशीले जो पदार्थ होते हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो गलत तरीके से उनका यूज होता हुआ नजर आता है। यूज के यहाँ पर इसको मिसयूज बोला जाएगा। तो उसी के लिए फर्स्ट एवर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस हो रही है ड्रग्स लॉ एनफोर्समेंट, जो कि इनॉग्रेटेड की गई है यहां पर। ये हंसराज, इनका नाम याद रख सकते हैं आप लोग, ये है हंसराज जी, यहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर, ये न्यू दिल्ली में 2018 के लिए स्टार्ट की गई है। तो इनोग्रेट तो की गई यहाँ पर हंसराज गंगाराम रहीर जी के द्वारा, पर लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पर चीफ गेस्ट की, तो चीफ गेस्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे क्लोजिंग सेरेमनी में, ये है यहाँ पर, ये है हमारे जो होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, तो यहाँ पर ये चीफ गेस्ट आप लोगों क्लोजिंग सेरेमनी में यहाँ पर नजर आएंगे। दो दिन की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, किस तरीके से ऑर्गेनाइज कराना है अगर कोई भी स्त्री क्राइम हमारी कंट्री में हो रहा है तो उस पर फोकस किया जाएगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। आप लोग SSC वगैरह के फॉर्म भरते हैं, CGL वगैरह के आप लोगों को देखने को मिलता होगा, नारकोटिक्स से रिलेटेड वहां पर पोस्ट निकल कर आती है SI वगैरह की, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को आइडिया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डिपार्टमेंट होते हैं जो यहाँ पर कंट्रोल करते हैं अगर इलीगल एक्टिविटी हो रही है किसी भी इस तरीके के पदार्थ से रिलेटेड। 50 से ज्यादा स्टेट और सेंट्रल की जो इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और फोकस ये रहेगा किस तरीके से हम लोग ड्रग की ट्रैफिकिंग रोक सकते हैं, मतलब इलीगल जो ड्रग को इधर से उधर पहुंचाया जाता है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसके साथ में साइबर इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, क्योंकि कई बार लार्ज स्केल पे इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को ये कॉन्टैक्ट यहाँ पर इनके नजर आते हैं जो कि इधर से उधर यहाँ पर सामान पहुंचाने का काम करते हैं। तो कई तरीके यहाँ पर वेरियस सेशन आप लोगों को नजर आएंगे, और इवन यहाँ पर यूएन के साथ में यहाँ पर अदर फॉरन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी यहाँ पर नजर आएंगी, जो कि अपना एक दूसरे के साथ में एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, मतलब इंडिया की ही नहीं बाहर के भी यहाँ पर आ रहे हैं लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए किस तरीके से हम लोग इसका जो इलीगल व्यापार होता है उसको रोका जा सकता है ताकि उसको नेगेटिव डायरेक्शन में सोसाइटी पे इंपैक्ट न पड़े, उसको रोका जा सके। आप लोग देखते हैं कितने नौजवान आज की डेट में गलत एक्टिविटी में पढ़ने की वजह से अपनी जीवन को बर्बाद करते हुए जा रहे हैं, तो उसी को कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उस डायरेक्शन में भी एक कदम यहाँ पर रखा जा रहा है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो आता है वह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में, और होम मिनिस्टर कौन है आज के डेट में, श्री राजनाथ सिंह जी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सिल्क इंडस्ट्री। देखिए सिल्क इंडस्ट्री जो हमारी कंट्री में है उसको किस तरीके से अच्छे से डेवलप किया जा सकता है और क्या उसके लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चल सकते हैं, उस पर फोकस देने की बात
की जा रही है। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देख के चलिएगा कि यहां पर किस किस एरिया में किस तरीके से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बना रखे हैं। सबसे पहले तो ये देखिए मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर हम किसी चीज किसी कंट्री से कोई चीज हम इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहला फोकस क्या रहता है कि इंपोर्ट से हटकर इसको हम लोग एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें, तो इसी पे फोकस सबसे ज्यादा दिया जाएगा। और वो तब कब पॉसिबल होगा, जब हम अपनी कंट्री में खुद इस कैपेबल हो जाएं कि हम इन चीजों को अपनी कंट्री में अच्छे से बना सके। तो बूस्ट करने की बात की जा रही है, अपना खुद का इंडियन जो ब्रांड होता है उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है और अच्छे से क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि यहाँ पर जो डोमेस्टिक है उसको इंटरनेशनल मार्केट के लेवल पर प्रमोट किया जा सके। हाई क्वालिटी और स्टैंडर्ड यहाँ पर रखा जा सके ताकि किसी भी कंट्री में कोई भी कहीं पर भी जाकर इसको टेस्ट कर रहा है तो सारे जो टेस्ट है उसको यहाँ पर आसानी से पार करके निकल जाए। स्ट्रेंथन करना है यहाँ पर जो सीड होते हैं, जो इनके बीज होते हैं, उससे रिलेटेड या फिर कोई प्रोडक्शन यूनिट होती है वो देखने को मिलेगा आप लोगों, और क्वालिटी स्टैंडर्ड भी यहाँ पर एक प्रोडक्शन नेटवर्क में कंटिन्यू रखना है। यहाँ पर कोलैबोरेट कर सकते हैं, मिलजुल कर काम कर सकते हैं, आईटीज हो गया, यहाँ पर सीएसआईआर हो गया आप लोगों को देखने को मिलेगा, सेंट्रल रिसर्च जो इंस्टीट्यूशन है ये सब, और आईएससी बैंगलोर वगैरह जो इतने अच्छे अच्छे कोचिंग जो इतने अच्छे अच्छे आप लोगों के सामने इंस्टीट्यूशन है, या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ में जैसे कि चाइना हो गया आप लोग देखने को मिलेगा, जापान हो गया, बुल्गेरिया हो गया, तो इनके साथ में मिलकर किस तरीके से हम लोग अपने प्रोडक्ट को और अच्छे लेवल का बना सकते हैं उस पर भी फोकस दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज किया जाएगा प्री, उससे पहले मतलब प्री कोकोन और पोस्ट कोकोन, जो भी जिस तरीके से यहां पर उसको कलेक्ट करना है और किस तरीके से उसको रेशम में कन्वर्ट करना है तो सारा पूरा फोकस अच्छे से किया जाएगा। इसके साथ साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर इंक्रीज करने की बात की जा रही है एम्प्लॉयमेंट को इस सेक्टर में 85 लाख से 1 करोड़ तक 2020 तक, मतलब आज की डेट में 85 लाख लोगों को ये यहां पर व्यापार देते हैं, आने वाले टाइम में इसको 1 करोड़ तक बढ़ाने की बात की जा रही है। तो कैसे कर पाएंगे वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब इंटीग्रेटेड एक अप्रोच लेकर चलेंगे तो तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। और जो ये मैंने यहाँ पर व्यापार की बात की है, मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा ये वीकर सेक्शन हो गया, वुमेन हो गया, एससी एसटीज हो गया, इनको मैक्सिमम व्यापार इसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, तो इसलिए भी इसकी इंपोर्टेंस थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम फिर से देख लेते हैं यहाँ पर जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा यहाँ पर अप्रूवल दे दिया गया है इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सिल्क इंडस्ट्री, किस तरीके से सिल्क इंडस्ट्री का हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कर सकते हैं। आखिर कब से कब तक है, नेक्स्ट 3 ईयर के लिए बात की जा रही है, तो 2017-18 से लेकर 2019-20 तक की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट है बात यहां पर, थोड़ा इस पर पॉइंट पे फोकस दीजिएगा। एम क्या है, सेल्फ सफिशिएंट बनाना है अपनी कंट्री को सिल्क प्रोडक्शन में, कब तक, 2022 तक, और 2022 तक आप लोगों को क्या पता है हमारी कंट्री में फार्मर की इनकम को डबल करने की बात की जा रही है, तो दोनों ही तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करें प्रोडक्शन की तो उसको बढ़ाने की बात की जा रही है 20,650 ये मीट्रिक टन आप लोगों यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है, तो इस पर फोकस दिया जा रहा है जो कि 2022 तक और आज की डेट में 11,326 है, तो 20,650 करने की बात की जा रही है इसको। और थोड़ा कंफ्यूजन नहीं डालना आप लोगों को, यहाँ पर मीट्रिक टन लिखा हुआ है आप लोगों को देखने को मिलेगा, 1 मीट्रिक टन इक्वल टू आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ये क्या होता है 1000, याद रखिएगा 1000 किलोग्राम के इक्विवेलेंट होता है ये, ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग किलोग्राम में इसको निकालना चाहते हैं तो 1000 से इसके साथ में आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। तो बात क्या की जा रही है यहाँ पर, एक तो इसके यहाँ पर रिड्यूस करने की बात की जा रही है, इंपोर्ट 0 तक पहुंचाना है, मतलब इंपोर्ट हम लोगों को करना ही नहीं है 2022 तक, हम लोगों को देखना है कि इंपोर्ट हमको करना ही नहीं है, हम हो सके तो एक्सपोर्ट करने की कंडीशन में आना चाहते हैं, ठीक है, तो फोकस किया जाएगा। इंप्लीमेंटेशन किसके थ्रू किया जाएगा, सेंट्रल सिल्क बोर्ड के थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, और यहाँ पर हेल्पलाइन भी प्रोवाइड कराई जाएगी किस तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है यहाँ पर इसको डेवलप करने वाला, इसको उगाने वाला, और वुमेन को एससी एसटी को हम लोगों ने देखा काफी फायदा होगा इससे, और जो इंप्लीमेंट वगैरह वो हम लोगों ने अभी देख ही लिया। तो कुछ बातें हैं जो आप लोगों यहाँ टारगेट याद रख सकते हैं 2022 तक इसको जितना करने की कोशिश की जा रही है, और 0 इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ बातें हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहां पर हो सकती है इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिल्क इंडस्ट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट आर्टिकल है यहां पर बात की जा रही है इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के बारे में, आखिर ये है क्या, हमारी कंट्री के बहुत सारे सिटीजन हमारी कंट्री से बाहर रह रहे हैं, कोई यूएसए में है, कोई जापान में है, कोई किसी कंट्री में है, पर लेकिन उनके मन में जो प्यार और श्रद्धा है अपनी कंट्री के लिए वो कभी भी कम नहीं होती है, वो चाहते हैं अपनी कंट्री का डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए कभी कभी आप लोगों को देखने को मिलेगा बीच बीच में वो कुछ ना कुछ यहाँ पर फाइनेंशियल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते रहते हैं कंट्री के लिए, तो उसका जो उनके द्वारा जो धन प्रोवाइड कराया जाता है तो उस धन को इकट्ठा किया जाता है, उसके बारे में जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे
दे दिया है यहाँ पर इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ ओवरसीज इंडियन IDFOI के लिए। ये इनहेंस करेगा किस तरीके से चैनलाइज किया जा सकता है जो डायस्पोरा कम्युनिटी हमारी दूसरी कंट्री में रह रही है वो अगर कोई कंट्रीब्यूशन देती है यहाँ की फ्लैगशिप जो स्कीम रहती है, फ्लैगशिप स्कीम बोलते हैं जो यहाँ पर मेन स्कीम रहती है उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम आप लोगों को नजर आएगी। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग देखते हैं डिजिटल इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया एक फ्लैगशिप स्कीम हो गई, छोटी छोटी बहुत सारी स्कीम चल रही है कि इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में और ज्यादा आगे बढ़ के चलना है, तो बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम आप लोगों को उसके अंदर नजर आ जाएंगी। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो बात की जाती है उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जो अलग अलग लेवल पर स्कीम चलाई जा रही है स्वच्छ करने के लिए, वो सारी बातें आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो फ्लैगशिप स्कीम होती है उनमें इनका फायदा पहुंचाया जा सकता है, इससे जो फंड यहां पर इनके द्वारा दिया जाता है। अप्रूवल तो देखिए इसको कैबिनेट के द्वारा 2008 में दे दिया गया था, पर अब जो है इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। ऑटोनोमस नॉन प्रॉफिट और ये एक ट्रस्ट आप लोगों को नजर आएगी। ठीक है, तो एक फिलंथ्रोपिक यहां पर वर्क इनके द्वारा किया जाता है सोशल डेवलपमेंट के लिए, अपनी सोसाइटी को अच्छा करने के लिए। जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा या स्वच्छ भारत की बात कर लीजिए, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ एंड द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऐसे जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उनके द्वारा यहां पर जो धन मुहैया कराया जाता है वो IDFOI के द्वारा यहां पर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये ट्रस्ट जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010 जो एक्ट है उससे भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जेम्प्ट किया जाता है, मतलब इसका भी चक्कर नहीं पड़ता है जो कि काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर फॉरेन से कोई फंड लिया जाता है तो इससे भी ये दूर हट जाता है, इससे भी इसका भी फंडा इसको नहीं रोक पाता है। ओके, क्वेश्चन बन सकता है एक तो यही कि इसको एग्जेम्प्ट किया जाता है इससे या नहीं, जी हाँ बिल्कुल एग्जेम्प्ट किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉर्म फिर यहां पर याद रखेगा। नेक्स्ट बात किया जाता है चेयरपर्सन की, अगर बात आती है तो इसका चेयरपर्सन रहेगा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, कौन है आज की डेट में, सुषमा स्वराज जी हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूवल दे दिया गया है। ओके, तो ये है किस तरीके से कि फॉरेनर जो है वो यहां पर अगर हमारी कंट्री का कोई सिटीजन बाहर रह रहा है किस तरीके से अपनी कंट्री को फायदा पहुंचा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी राज्यसभा के इलेक्शन हुए तो आप लोगों को पता है राज्यसभा के इलेक्शन में कई सारी यहां पर बातें निकल कर आई, ऐसी ऐसी पार्टी साथ में आ गई जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, मतलब BSP आप लोग देखते हैं यूपी में और SP जो कि हमेशा अपोजिट में लड़ा करती थी वो भी साथ में आ गई और काफी न्यूज में थे राज्यसभा के इलेक्शन। थोड़ा सा जान लेते हैं राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में, तो नैनो मैगजीन में भी आई आज थोड़ी पॉलिटिक खबर कर लेते हैं। वैसे डिटेल में आप लोगों को सारी पॉलिटिक जाकर देखनी है तो आप लोग देख सकते हैं सारे लेक्चर्स पॉलिटिक आप लोगों को वीडियो के जस्ट नीचे मिल जाएंगे। 8 लेक्चर यहां पर मैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके भी ले चुका हूं, ठीक है, तो वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन है। बात की जा रही है राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन की अगर बात करते हैं तो 25 राज्यसभा की सीट के लिए आप लोगों को यहां पर इलेक्शन देखने को मिले, तो यहां पर सबसे पहले तो आप लोगों को माइंड में यही आ रहा होगा स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो स्ट्रेंथ जो है यहां पर आज की डेट में राज्यसभा की ये है 245, ठीक है, 245 स्ट्रेंथ आप लोगों को नजर आएगी। अच्छा, ये तो प्रेजेंट की स्ट्रेंथ है, आप लोग ये बताइए कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बता चुका हूं पहले कई बार आप लोगों को, तो यहां पर देखने को मिलेगा यहां पर 233 जो मेंबर आएंगे आप लोगों के सामने ये देखने को मिलेगा ये कैसे हैं, ये यहां पर टोटल इलेक्टेड होकर आते हैं, ठीक है, पर लेकिन बच गए कितने, बच गए 12 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो क्या होते हैं, वो यहां से निकल के आते हैं नॉमिनेटेड, ठीक है, हम लोगों ने देखा भी था किस तरीके से नॉमिनेटेड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब जो मेंबर यहां पर डायरेक्ट इलेक्शन में जीत के नहीं आते हैं अगर वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो उनको यहां पर नॉमिनेट किया जाता है। आर्ट लिटरेचर वगैरह ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, सोशल सर्विस से रिलेटेड जो मेंबर यहां पर रहते हैं तो वो यहां पर इलेक्ट किए जाते हैं, सॉरी इलेक्ट वर्ड यूज नहीं करना है, नॉमिनेट किए जाते हैं, इलेक्ट नहीं यूज करना है, 12 को नॉमिनेट किया जाता है, जिस तरीके से लोकसभा में 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, कौन होते हैं वो एंग्लो इंडियन मेंबर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, यहां पर बात करते हैं अगर क्वालिफिकेशन की तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 30 ईयर अगर एज है तो यहां पर आप लोग इसको यहां पर इसके लिए राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं, इसीलिए थोड़ा इसको समझदार हाउस बोला जाता है क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा लोकसभा की जो लिमिट है वो 25 साल है पर लेकिन यहां पर 30 साल है तो यहां पर थोड़े सीनियर मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो एल्डर हाउस भी इसको कई बार बोला जाता है आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर पार्लियामेंट के द्वारा जो भी यहां पर प्रिस्क्राइब की गई है क्वालिफिकेशन आगे चल के वो इंप्लीमेंट होती है नजर आएगी। नेक्स्ट जो वोट करते हैं इसमें इनको इलेक्ट करने के लिए वो आप लोगों को देखने को मिलेगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो स्टेट लेजिस्लेचर के होते हैं, मतलब जिनको इलेक्ट किया जाता है वही यहां पर वोटिंग कर सकते हैं, मतलब नॉमिनेट वोटिंग नहीं कर सकते हैं, जो इलेक्ट होकर आते हैं वही यहां पर वोट कर सकते हैं। इलेक्शन कितने टाइम के लिए होता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है। मेंबर का जो इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा वो 6 साल के लिए होता है पर लेकिन कौन यहां पर रिटायर कब होता है
तो 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ अवर अपर हाउस, मतलब अगर अपर हाउस में आप लोगों को 60 मेंबर देखने को मिलेंगे तो इसका 1/3 कितना हो गया, 20 मेंबर आप लोगों को हर 2 साल पर रिटायर होते हुए नजर आएंगे। हर 2 साल पर आप लोगों को 20 मेंबर मान लीजिए रिटायर हो गए, 20 नए आ गए, 20 रिटायर हो गए, 20 नए आ गए, और जो 20 नए आते हैं उनका टाइम पीरियड 6 साल के लिए होता है। तो इस तरीके से थोड़ा आप लोगों का आइडिया होना चाहिए। प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन क्या है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था उस टाइम पर इनडायरेक्ट वोट होती है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब एक ही वोट को ट्रांसफर किया जाता है, एक ही मेंबर रहता है। मान लीजिए ये एक मेंबर है, ये मेरी वोट है और मुझे मेंबर को देना है, 4 मेंबर यहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मान लीजिए प्रेफरेंस इसको दिया, दूसरा इसको दिया, तीसरा इसको दिया और चौथा इसको दिया, तो प्रेफरेंस काउंट होता है। जिसके पास में सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस है उसको यहां पर ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, उसके हिसाब से यहां पर वोट काउंट होते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए, इनडायरेक्ट वे ऑफ इलेक्शन इसको बोला जाता है। टीबी पे थोड़ा फोकस डाल लेते हैं, जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है, काफी न्यूज में है, तो थोड़ा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है अब की बार, तो खासकर जितना इस पर फोकस किया जा रहा है। मार्च 24 को एवरी ईयर टीबी के रूप में, मतलब वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब क्या अवेयरनेस फैलाई जाती है किस तरीके टीबी को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। टीबी को आप लोगों को देखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा अनाउंस किया गया था कि उन्होंने यहाँ पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से टीबी होता है, उसको यहाँ पर खोजा गया था, उसकी डिस्कवरी की गई थी। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा तब से यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड टीबी को कंट्रोल करने की बात की जाती है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस बार की जो थीम है इसमें भी फोकस किया जा चुका है किस तरीके से हम लोग टीबी को यहाँ पर फ्री वर्ल्ड बना सकते हैं, मतलब फ्री कर सकते हैं टीबी से इस वर्ल्ड को। तो लीडर्स जो है उनके बारे में बात की जा रही है, सब लीडर चाहते हैं आगे आना है उनको कि टीबी को खत्म करने के लिए। पर्सन जिसके एक बार टीबी हो जाती है बहुत ही आसानी से फैल जाती है, अगर वो कहीं पर छींकता है, कहीं पर खांसता है और आसपास में अगर उसके आसपास में जाकर सांस लेता है तो उससे उसके पड़ोस में जो भी होता है उसके आराम से ये टीबी लग सकती है, इसीलिए काफी हद तक इसको फैलाया जाता है बहुत आसानी से, तो इससे बचने की बात की जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से इसको 2030 तक खत्म करने की बात की है, पर हमारी कंट्री में इसको टारगेट रखा गया 2025 तक, बोला गया है खत्म करने के लिए 2025 तक, पर लेकिन फिजिबल नहीं लग रहा है जिस तरीके से हम लोग वर्ल्ड कैपिटल ऑफ द टीबी बोला जाता है हमारी कंट्री को, तो इस तरीके से फिजिबल नहीं है, पर लेकिन ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो जितना बड़ा गोल होगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकल कर आएगी और उतने ही आसानी से हम लोग इसको कंट्रोल करने के बारे में सोचेंगे। तो 24th of March याद रखिएगा, इसके लिए वर्ल्ड टीबी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेशन की बात है, देखने को मिलेगा वर्ल्ड के मैप में हम लोगों को फिर से यहाँ पर सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस तरीके अगर कोई न्यूज आती है तो वो काफी मोटिवेट करती है, हालांकि नेचुरल है वो एक अलग बात है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सैंड केव की बात की जा रही है, रेते के द्वारा बनी गई जो गुफा है वर्ल्ड की सबसे लंबी मेघालय में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब तक जो केव हुआ करती थी ये हुआ करती थी वेनेजुएला में, वेनेजुएला आप लोगों को देखने को मिलेगा मैप में बहुत ज्यादा, यहाँ पर न्यूज में भी रहता था, ये हो गया वेनेजुएला, हमारा प्यारा भारत हो गया। अगर जाना चाहते हैं तो 2 रास्ते, एक तो यहाँ से होकर जा सकते हैं और दूसरा आप लोग यहाँ से होते हुए यहाँ तक भी वेनेजुएला आप लोग पहुंच सकते हैं। तो इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो पहले वेनेजुएला में हुआ करती थी पर लेकिन अब आप लोगों को इंडिया में देखने को मिलेगी, और इंडिया में भी कहाँ पे, मेघालय में, मेघालय कहाँ पे है ये हो गया, ओनली आसाम टच करता है मेघालय को और कोई सा भी इंडियन स्टेट टच नहीं करता है, इसके अलावा फिर बांग्लादेश टच करता है। तो इस तरीके से आप लोग मैप भी थोड़ा याद रखा कीजिए। तो ये जो केव है यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो है 24, ये है आप लोगों को देखने को मिलेगा 24,500, कितना है 24,583 मीटर की बात की जा रही है, किलोमीटर की बात नहीं की जा रही है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इतना है, इससे पहले जो थी वो थी 18,200 मीटर थी, पर लेकिन अब ये इससे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा लंबी केव है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरीके की जो केव होती है, कई तरह के फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं यहाँ पर, जिस तरीके जो फॉसिल्स पाए जाते हैं, कई तरीके फ्यूल नहीं फॉसिल्स पाए जाते हैं, जैसे डायनासोर हो गया, उनके अवशेष आप लोग बोल सकते हैं हिंदी में अगर बोल दो, अवशेष डायनासोर हो गया, तो पता चलता है कि कैसे लाइव किस तरीके से कहाँ कहाँ से क्या क्या स्टार्ट हुई थी। तो लगभग देखने को मिलेगा 66 मिलियन ईयर एगो की बात यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी कि किस तरीके से एक नया आयाम निकल के आता है। इसीलिए बोलते हैं कि हिस्ट्री भी जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, अगर नई नई हम लोगों के सामने खोज निकल कर आती रहती है। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मेघालय में वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट, इंडिया की लॉन्गेस्ट होती तो एक बार चल जाता, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सैंड स्टोन केव आप लोग यहां पर नजर आएगी। ओके, बात की जा रही है वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट क्रूड शिप के बारे में, आप लोगों को देखने को मिलेगा जिस तरीके से टाइटैनिक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, कुछ ऐसा ही आप लोगों यहां पर रवैया नजर आ रहा है, इसको बोला जा रहा है सिम्फोनिक ऑफ द सीज, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। सिम्फनी की अगर यहाँ पर बात की जाए तो आप इसको बैलेंस ही बोल सकते हैं, एक हार्मनी भी बोल सकते हैं, अगर हम लोग इसके सिनोनिम्स की बात करें तो काफी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिलेगा एक कोहेरेंस, या फिर आप लोग कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं यहाँ पर, हार्मनी बोल सकते हैं।
तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक यूनिटी भी आप लोग बोल सकते हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को सारे सिनोनिम्स बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये एक सी में आप लोगों को नजर आएगा किस तरीके से एक बैलेंस बनाकर चला जा रहा है। इसके अंदर एक बास्केट कोर्ट भी, आप बास्केटबॉल का कोर्ट भी आप लोग देख सकते हैं। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट इसको क्रूज लाइनर बोला जा रहा है, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये फ्रांस से ये स्टार्ट हुआ है, कहां से ये हुआ है, सेंट नजारे थे, ठीक है ना। तो ये आप लोग नाम याद रख सकते हैं, थोड़ा सा इस तरीके के वर्ड कई बार पूछ ले जाते हैं कि कहां से इसको स्टार्ट किया गया था। तो अगर ये वर्ड आप लोग याद नहीं रखेंगे सेंट नजारे, तो आप लोग कम से कम यहां पर फ्रांस जरूर याद रखेगा। फ्रांस से स्टार्ट की गई है इसके द्वारा जर्नी, और मेडिटेरेनियन सी में अभी जा रहा है, अभी देखिए आगे कहां तक पहुंचती है चीजें। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल रिविजन करने आप लोगों को बात की जा रही है डिफरेंस बिटवीन काउंसिल कमिटी एंड द कमीशन के बारे में, क्या क्या डिफरेंस होता है, तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। लिंक यहां पर भी मिल जाएगा, यहां पर भी, और पॉलिटी यहां पर पीडीएफ के अंदर से भी आप लोग डायरेक्ट लिंक को कॉपी करके जाकर वीडियो को देख सकते हैं। योजना का कल क्वेश्चन पूछा था मैंने आप लोगों से सिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स के बारे में, रिसेंटली लॉन्च किया गया किसके द्वारा, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन के द्वारा। तो इसके बारे में क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। योजना का आर्टिकल देखते हैं, छोटा सा आर्टिकल है पर लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। बात की जाती है पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये स्त्री ग्रुप है, पहले इसको आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहले इसको प्रीमेटिव ट्राइबल ग्रुप बोला जाता था, पर लेकिन 2006 में इसका नाम चेंज कर दिया था, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। मतलब ट्राइबल में भी यहां पर इसको क्लासिफाइड किया जाता है, अलग अलग तरीके ट्राइबल ग्रुप है। हालांकि ये आर्टिकल डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं मैं पहले ऑलरेडी, तो थोड़ा आप लोगों को रिविजन अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों को याद होगा इसके बारे में। तो किस तरीके से वहां पर उनके एरिया में जाकर अच्छे से उनके रहने के लिए यहां पर एक अच्छा सा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराया जा सकता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा यहां पर इंप्लीमेंट की जाती है कई सारी स्कीम्स जो कि डेवलपमेंट करती हैं पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में। एम क्या रहता है, किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका किया जा सकता है, और साथ में इनकी जो कल्चर होती है उसको भी साथ में रखना है, मतलब इनकी कल्चर को साइड में नहीं करना है, कल्चर को साथ में लेकर चलना है। तो इस तरीके से यहां पर एक डेवलपमेंट करने की बात की जाती है, ठीक है। इसके लिए यहां पर कमीशन को भी सेटअप किया गया था, तो ये कमीशन था कि किस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट को यहाँ पर किया जा सकता है, इनइक्विटी जो डेवलपमेंट में देखने को मिल रही है उसको किस तरीके से अच्छे लेवल पे बढ़ाया जा सकता है। तो धीबार कमीशन 1960 से 1961 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, काफी पर्टिकुलर वनरेबल ये ट्राइबल ग्रुप है, काफी न्यूज में है। 75 ट्राइबल ग्रुप आज की डेट में यहाँ पर रिकॉग्नाइज किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। क्वेश्चन बन सकता है कौन इनको रिकॉग्नाइज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। प्रोग्राम इंप्लीमेंट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के द्वारा, जो डेवलपमेंट की स्कीम होती है वो इसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। किस कमीशन के द्वारा यहां पर डेवलपमेंट की बात की गई थी, ये है आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में, धीबार कमीशन। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कब इसको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप से पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के नाम में कन्वर्ट किया गया था 2006 में। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोग याद रख सकते हैं, आइए अब आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है, पढ़ के अच्छे से आंसर दीजिएगा। 106 एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में जिक्र किया जा रहा है जो कि 2019 में होने वाला है, कहां पर होने वाला है डिटेल में डिस्कस किया था आप लोगों के सामने। G20 की मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक की गवर्नर की कहां पर है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ये भी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ाई था कल के लेक्चर में, आप लोगों को याद होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, बताना है किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है ये डिक्शनरी। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर आप लोगों के सामने, ये है काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड द एजुकेशन के बारे में, साइन की थी MOU TIFAC के साथ में, डिटेल में आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हैं तो देहरादून में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर नजर आया था, मैंने आप लोगों को पिक्चर भी दिखाई थी कितना शानदार बिल्डिंग थी, वो भी आप लोगों को नजर आ रही होगी अगर रिवीजन कर रहे होंगे तो। 7th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क ICN 2018 किस सिटी में स्टार्ट की गई थी, न्यू दिल्ली में, डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट बात की जा रही है एस्टिमेट कमेटी के बारे में जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड बात कर रही थी, किस तरीके से अपनी कंट्री की सिक्योरिटी हम लोग बनाकर रख सकते हैं और स्टेटों को भी साथ में लेके चलना था सारे जो स्टेट से हमारी कंट्री के 29, ठीक है, तो किस तरीके से सिक्योरिटी बनाई रखी जा सकती है। तो मुरली मनोहर जोशी जो कि BJP के MP है, डिटेल में डिस्कस किया था कि कानपुर से ये MP है, हम लोगों ने सारी बातें यहां पर डिस्कस की थी। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहला हम लोगों ने देखा फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ड्रग्स को इन्फोर्स करने की बात की जा रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, डिटेल में डिस्कस किया आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोगों ने देखा यहां पर ये था वर्ल्ड ब्रास, पीतल को किस तरीके से यूज किया जाना है आने वाले टाइम में कमोडिटी के तौर पर, कॉन्ट्रैक्ट यहां पर फर्स्ट देखने को मिला MCX के तहत, और यहां पर कॉपर और जिंक के साथ मिलकर इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिला फ्लोरेमीटर, इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, यूरेनियम को चेक करता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है, याद रखिएगा थोड़ा, ओके। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिला ये था वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रूज शिप के बारे में हम लोगों ने जाना,
नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सिल्क इंडस्ट्री के बारे में, जो कि हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करी। इसके अलावा हम लोगों ने देखा इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन के बारे में, किस तरीके से यहाँ पर जो फॉरेन जो हमारी कंट्री के सिटीजन रहते हैं वो अपनी कंट्री में डेवलपमेंट फंड भेजते हैं, तो उसके बारे में जाना। राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में डिटेल में जाना, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम लोगों ने देखी। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सैंड स्टोन केव के बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि मेघालय में है। नेक्स्ट हम लोगों ने वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के बारे में जाना, तो ये भी इंपॉर्टेंट था काफी। इसके अलावा आप लोगों को जो रिवीजन करना था वो था यहाँ पर आप लोगों को काउंसिल कमिटी और कमीशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना यहाँ पर प्रीमेटिव, ये पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप जिसको प्रीमेटिव ट्राइबल ग्रुप भी बोला जाता था। नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर हो गया आप लोगों के सामने। नेक्स्ट ये आप लोगों के क्वेश्चन है जिनका आंसर देना है, और नेक्स्ट हो गया आप लोगों का आंसर जो कि मैंने आप लोगों के क्वेश्चन पूछे थे। तो लंबा हो गया काफी लेक्चर, चलिए कोई नहीं, आज के डिस्कशन में इतना ही। पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी और यहाँ भी मिल जाएगी, चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए जिससे कि सबको फायदा हो जाए। आज के लेक्चर में इतना ही, अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, प्लास्टिक और पॉलिथीन बैग को कम से कम यूज करना है या बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, और जब भी टाइम लगे किसी को पढ़ा दिया कीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।